वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कई सारे डिस्ट्रिक्ट में फोन कॉल भी आज से बंद कर दी गई है और इंटरनेट सेवा तो गाजीपुर से लेकर हर बॉर्डर पर बंद है, उसको लेकर ये वैचारिक क्रांति है, विचार से उत्पन्न। और ये फोन सर व्हाट्सएप से थोड़ा चलती है, ये तो विचार से चलती है। जो फसल अपनी आधे रेट में बेच रहे हैं उसकी क्रांति है, और कहाँ जाएंगे हम। तो आंदोलन में अब जान जिस तरह से दोबारा, जैसे आपने भावुक अपील की थी उसके बाद से आंदोलन नहीं ठीक चल रहा। आंदोलन तो किसान चलाएगा, इसका जो नेता है वो किसान है। दिल्ली पुलिस की सारी कील काट के जाएंगे, ऐसे थोड़ा चले जाएंगे, सारे कील काट देंगे इनकी। हम सब 10 पार्टियों के लोग आज गए थे वहाँ गाजीपुर बॉर्डर में, और जिस तरह का माहौल हमने देखा वो बहुत चिंताजनक था। और हम सिर्फ किसानों को मिलने के लिए गए, लेकिन हमें कोई परमिशन नहीं दी गई, हमें रोका गया, टोका गया। और जो परिस्थिति वहाँ देखी, जिस तरह का माहौल था, वो देश के हित के लिए नहीं है। और हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ सुलह निकले। और जो हमारे किसान भाई आज बैठे, आज दिल्ली में बारिश भी हुई है और जिस हाल में बैठे हैं वो बहुत गलत है, और कुछ सब ने चर्चा निकाल के कुछ इसमें से मार्ग निकालना पड़ेगा। मैम, जो आप बात कर रही हैं दिल्ली पुलिस के लिए, जब बात हुई हमारे से, उन्होंने कहा कि चूंकि इसलिए नहीं जाने दिया गया कि बैरिकेडिंग थी, हमने अपोजिशन के लीडर से बताया कि बैरिकेडिंग है और उनको अल्टरनेट रूट बताया गया, और ये कहा गया कि हम आपको पायलट भी करेंगे तब आप। नहीं, ऐसा बात हम तो कुछ नहीं की, और हम बड़ी शांतिपूर्वक वहाँ गए, और जब हमको ना बोला तो हम भी शांतिपूर्वक वापस आए। हमने उनको विनती भी की, लेकिन उन्होंने हमको कहा कि आप न जाए तो ही अच्छा है, और हम शांतिपूर्वक शांति के मार्ग से वापस आ जाए।